वही लोकसभा चुनाव के द्वितीय चरण का चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गया है, जिसको लेकर राजधानी लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में द्वितीय चरण के मतदान की प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए जाने के उद्देश्य से कुल 8,852 मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग की गई, जिसका पर्यवेक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग तीनों स्तर पर किया गया। इसके आगे उन्होंने बताया कि मतदान के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा ईमेल के माध्यम से शिकायतें प्राप्त हुई, जिन्हें जनपद के अधिकारियों से निस्तारण करते हुए राजनीतिक दलों को ईमेल के माध्यम से अवगत भी करा दिया गया है। दूसरे चरण का मतदान हुआ उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा क्षेत्रों में और 5 बजे तक लगभग 53% मतदान हुआ है। आठ हजार 852 मतदेय स्थलों पर हमने वेबकास्टिंग की व्यवस्था की थी। 50% पोलिंग स्टेशन पे जहाँ सीधे यहाँ कंट्रोल रूम से हम कैमरा के माध्यम से देख पा रहे थे जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। और दूसरे चरण में आज की वोटिंग से पहले हमने 54,537 सेवा मतदाताओं को, सर्विस वोटर्स को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पोस्टल बैलेट ट्रांसमिट किया था। 12,658 कार्मिकों को इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी किया था, जिन्होंने मशीन के माध्यम से अपना वोट डाला। और वोटर फैसिलिटेशन सेंटर्स में जहां बैलेट पेपर के माध्यम से, पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डालते हैं, 9,746 कार्मिकों ने अपना मतदान किया था। आज जो दूसरे चरण का मतदान हुआ उसमें 8 सामान्य प्रेक्षक तैनात थे, 5 पुलिस प्रेक्षक थे और 12 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर व्यय प्रेक्षक तैनात किए गए थे। 1,451 सेक्टर मजिस्ट्रेट थे, 190 जोनल मजिस्ट्रेट थे, 222 स्टैटिक मजिस्ट्रेट से और 1,599 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए।